क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च थटिकल फ्रेमवर्क इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जाहिर इसका पर्पस जो है थ्योरीटिकल फ्रेमवर्क का नंबर वन ये है क्वालिटेटिव रिसर्च अगर है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू थीरी डेवलपमेंट ऑफ न्यू थीरी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थीरी है तो उसको क्वेश्चन करना है और उसकी मॉडिफिकेशन करना है जबकि क्वांटिटेटिव uh, जो स्टडीज़ होती हैं उनमें ऑलरेडी थीरी को यूज़ करते हुए रिजल्ट्स की इवालवेशन करना अंडरस्टैंड करना व्हाट इज़ गोइंग ऑन और ऑफ कोर्स उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होती है जब आप ये रिपोर्ट राइटिंग का, का काम कर रहे हैं तो रिपोर्ट राइटिंग करते हुए थ्योरेटिकल uh, फ्रेमवर्क कैसे लिखना है तो सबसे पहले आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखते हुए बताना है कि ये आपकी स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है असेंशियल uh, क्या है उसकी लॉजिक क्या है जस्टिफिकेशन क्या है पहली बात दूसरी बात आपने जो थीरीज उसमें कोट करनी है एक दो तीन चार पांच या दस तो सबसे पहले जो है वो लीस्ट रेलिवेंट लिखनी और फिर उससे ज्यादा रेलिवेंट फिर उससे ज्यादा रेलिवेंट फिर उससे ज्यादा रेलिवेंट तो इसका मतलब ये कि लास्ट में वो थीरी आ जाए जो मोस्ट रेलिवेंट है लेकिन वो पहले वाली लिखना क्यों जरूरी है तो आखिरी वाली क्यों वो इसलिए जरूरी है ताकि आपकी स्टडी की बेस बनाई जाए और आपने रीडर को ये इंप्रेशन देना है कि आपका वर्क जो है वो बेसिकली वर्थ वाइल है उसके अंदर स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रांग बेस थीटिकल बेस है जिसकी बेस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके वर्क की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बढ़ती जाती है और सबसे पहले आपने ओरिजिनल थीरी की जो एजम्पशन हैं वो लिखनी है कॉपी पेस्ट अगेन नहीं करना ओरिजिनल थीरी की जो एजम्पशन हैं मेन आर्गूमेंट हैं जो रेलिवेंट हैं आपके वर्क के साथ वो आपने लिखना है फिर उसके बाद दूसरा आपने ये काम करना है रिपोर्ट राइटिंग करते हुए कि हाउ दिस थिरी इज रेलिवेंट टू योर वर्क इसका मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ थीरी बतानी है यानी पहले आपने ओरिजिनल थीरी बताई कि उस थियोरिटिकल आर्गूमेंट क्या है फिर उसकी एप्लीकेशन क्या है आपके काम से रेलिवेंट उसको क्रिटिसाइज़ करना है कि क्या चीज़ आपके काम से रेलिवेंट है क्या चीज़ आपके काम से लीस रेलिवेंट है उस थीरी के अंदर गैप्स क्या हैं दैट यू वांट टू फिल फिर दूसरी थीरी पे भी इसी तरह से पहले ओरिजिनल थीरी आ, उसके ओरिजिनल आर्गूमेंट और फिर उनके अंदर आ, वो किस तरह आपके काम से रेलिवेंट है उसको यूज़ करने की जस्टिफिकेशन क्या है फिर आपने बताना है कि एप्लीकेशन टू योर वर्क यानी दूसरी थीरी का कि वो कहाँ पे आपके काम से मोस्ट रेलिवेंट है कहाँ लीस्ट रेलिवेंट है कहाँ बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है और क्या क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है ये लिखने के बाद आपने पूरा आर्गूमेंट बनाते जाना है और एट द एंड आपने क्या करना है कि लिटरेचर uh, रिव्यू में हम अजम्पन्स लेते हैं यहाँ थ्रिटिकल फ्रेमवर्क में प्रोपोजिशन लेते हैं अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अजम्पन ये है कि स्टेटमेंट्स फॉर्म में के अबाउट द सोशल वर्ल्ड जिसमें कोई प्रडिक्शन हो सकती है दैट मे बी ट्रू दैट मे बी क्वेश्चनेबल प्रपोजिशंस में उन स्टेटमेंट्स के दरमियान में लॉजिकल अरेंजमेंट क्या है मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कोट करूँगा को वो कहता है कि देर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज रेसिप्रासिटी बिटवीन वन ग्रुप टू एन ग्रुप फिर वो कहता है कि देर इज़ इनडायरेक्ट रेसिप्रासिटी एज वेल कि कोई एक्सचेंज uh, मैरिजेस करते हुए डायरेक्ट रिश्ता नहीं देता बल्कि इनडायरेक्ट देता ए विल गिव टू बी बी विल गिव टू सी सी विल गिव बैक टू ए और इसी तरह से uh, फिर वो कहता है कि जनरलाइज्ड एक्सचेंज है वो जर्नलाइज एक्सचेंज क्या है कि एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है चार या उससे ज़्यादा कि जहाँ ए विल गिव समथिंग टू बी बी विल गिव टू सी सी विल गिव टू डी डी विल गिव टू ई ई विल गिव बैक टू ए तो ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट इसको जर्नलाइज एक्सचेंज का है ना ये डायरेक्ट है ना ही ये इनडायरेक्ट है ये जर्नलाइज एक सर्कल फॉर्म में है कि जो कोई भी चीज एक्सचेंज हो रही है वो घूम फिर के हर एक को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है तो ये जर्नलाइज एक्सचेंज है बी um, फो एक अनदर uh, सोशोलॉजिस्ट uh, जो कहता है कि इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज भी है कि एक इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है दूसरा पहले को कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज भी है तो यहाँ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज इन डायरेक्ट एक्सचेंज की मैंने आपको एग्जाम्पल दी इन आर्डर टू गिव के ये ओरिजिनल थी हो इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क कहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है कहाँ पर इसकी वीकनेस है आ, तो वो आपने बताना है कि जनरलाइज भी होगी डायरेक्ट uh, भी होगी इनडायरेक्ट भी होगी लेकिन ये ये आस्पेक्ट्स मिसिंग है एंड कीप इन माइंड आप जितनी भी रिपोर्ट राइटिंग आ, लिख रहे हैं अगर वो वैल्यू एडिशन के बगैर है यानी उसके अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर रहे तो जनरली आपके लिखने का पर्पज़ ही फौत हो जाता है आपकी रिसर्च का पर्पज़ ही नहीं रहता आप जब भी लिख रहे हों तो इंतहाई जानदार लिखें और ख़ास तौर पर थीरी का पोर्शन जो थ्रिटिकल फ्रेमवर्क का पोर्शन है ये थ्रिटिकल इसको थ्रिटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं इसको थ्रिटिकल इंटरप्रटेशन भी कहते हैं थ्रिटिकल फाउंडेशनस भी आप कह लें डिफरेंट नए में लेकिन पर्पज़ एक ही होता है कि आपने थ्रिटिकल फाउंडेशन अपने स्टडी को प्रोवाइड करनी है और ये आपने इंतहाई मेहनत के साथ इस पोर्शन को तैयार करना है कि जनरली पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएट्स जो हैं वो थिरी के बारे में लेस सेंसटाइज हैं और वो जनरली कॉपी पेस्ट करके ला के रखते हैं विच इज़ इलिवेंट कोई उसका पर्पज़ नहीं यहाँ एक और भी मैं वजाहत करता चलूँ कि जो अक्सर ग्रेजुएट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स से पढ़ के ला के रेफरेंसेज थीरिटिकल फ्रेमवर्क के दे रहे होते हैं मिसाल के तौर पर कार्ल मास को पढ़ा नहीं लेकिन दूसरों को पढ़ने के बाद कार्ल मास को रेफर करें दैट इज रियली नॉट गुड और सेकेंड सोर्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना एज ए गुड रिसर्चर यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट रेफरेंस के काल मास के ओरिजिनल वर्क पे जाएं उसको पढ़ें उसके काम को डायरेक्टली साइट करें ना कि इनडायरेक्टली किसी और ने लिखा है लेट्स से रिटजर ने लिखा है या किसी और ने लिखा है तो वहाँ से काल मास को साइट कर रहे हो तो वो नाइव रिसर्चर की एग्जाम्पल है वो नाइव रिसर्चर की निशानी है तो इसलिए आपने अच्छा रिसर्चर बनना है तो ओरिजिनल सोर्सेज को आपने लेना है ओरिजिनल को पढ़ना है ओरिजिनल को आपने कोट करना है